तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो होने वाली है Realme UI 3.0 से रिलेटेड। अब यहाँ पर लास्ट 2-3 दिन से एक बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, काफी सारे लोग जो है वो उस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, और वो है टेक डॉट की तरफ से। यहाँ पर टेक डॉट कॉम है, इन्होंने एक पोस्ट शेयर करी हुई है जिसमें सारा का सारा अपडेट शेड्यूल का एक रोड मैप बनाया हुआ है उस फोटो के अंदर, और उसके अंदर सारा कुछ दिखा रखा है। तो आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे उसी के बारे में, और उसके बाद फिर अपडेटेड डिवाइस लिस्ट की, और ये भी जानेंगे क्या ये कंफर्म है, क्या ऑफिशियल अपडेट अभी कोई आया है या नहीं आया है, या फिर ये जस्ट ऐसी ही मतलब शेयर किया जा रहा है, या फिर कुछ भी है। सब कुछ डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंट्रो चलने दे। सबसे पहले कर लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, ताकि सारा कुछ आपको साथ के साथ पता लगता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है एक पोस्ट। अब यहाँ पर ये साफ साफ है tech.com की तरफ से है। तो यहाँ पर इन्होंने पोस्ट डाली हुई जिसमें ये दिखा रहे हैं भाई Realme UI 3.0 इज अ बिग कस्टमाइज, मतलब सारा कुछ बता रखा है। और सबसे ज्यादा जो वीडियोज हैं वो इनकी इसी टॉपिक पर आ रही है 3.0 पे। तो यहाँ पर आप देखो Realme UI 3.0 बीटा अपडेट डिवाइस लिस्ट, ठीक है, सबसे पहले तो ये है। उसके बाद यहाँ पर देखो इन्होंने प्रॉपर बता रखा है दिसंबर 2021 में Realme GT मास्टर एडिशन, Realme GT नियो, Realme 8 प्रो, फिर जनवरी के अंदर Realme X7, Realme 8, Realme X7 मैक्स, Realme X7 प्रो। उसके बाद फरवरी के अंदर है Realme 7 प्रो, 6 प्रो, 8S, Realme Narzo 30 प्रो। उसके बाद मार्च में Realme 8i, Realme 8 5G, Realme Narzo 35G। तो यहाँ पर इन्होंने ये अपनी पोस्ट के अंदर स्पेशली बता रखा है कि भाई कौन कौन से फोन्स के अंदर कब कब अपडेट आएगा। और यहाँ पर आप एक ये फोटो देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है आजकल। इसके अंदर भी यहाँ पर ये देख सकते हो बैकग्राउंड में 3.0 लिखा हुआ है, टेक डॉट है, और यहाँ पर देखो दिसंबर 2021 में Realme GT मास्टर एडिशन, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर बता रखा है सेम टू सेम, वैसे जैसे Realme UI 2.0 जब रोल आउट होना स्टार्ट हुआ था तब इसके अंदर वो जो आ रहा था ना, तब उसके अंदर जो वो रोड मैप आया था अपडेट करने वाला, तो सेम टू सेम वैसा है। यहाँ पर मैं आपको वो फोटो भी दिखा देता हूँ जो Realme की ऑफिशियल फोटो थी। यहाँ पर आप देख सकते हो Realme UI, और उसके बाद ये पूरा रोड मैप था भाई सितंबर में X50 Pro के अंदर, और ये सब पूरा रोड मैप था। अब यहाँ पर मेन बात निकल कर आती है कि भाई ये जो पोस्ट यहाँ पर ये शेयर करी है tech.com ने, तो क्या ये ऑफिशियल है, क्या अभी ऑफिशियल Realme ने इसे कंफर्म कर दिया है, क्या वो फोटो ऑफिशियल Realme की तरफ से थी। तो अब आपके सामने मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो देखो ये है, एक बार मैं इसे बंद कर देता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉपर दिखाए। तो देखो ये है Realme कम्युनिटी ऐप, यहाँ पर आप देख सकते हो ये Realme कम्युनिटी ऐप है। सबसे पहले जो अपडेट्स आती हैं वो इसी कम्युनिटी ऐप के अंदर आती हैं, और हम बात कर रहे हैं OS अनाउंसमेंट के रिलेटेड, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की Realme UI 3.0 के बारे में। तो यहाँ पर हम टैप करेंगे Realme UI पे, और उसके बाद यहाँ पर हम सर्च करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी दे रखी है ऑल OS अनाउंसमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, OS सजेशन, OS फीडबैक। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं OS अनाउंसमेंट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है लेटेस्ट। अब मैं सॉर्ट कर देता हूँ इसे लेटेस्ट के उस पे, भाई सबसे लेटेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो Realme UI 2.0 इसी के रिगार्डिंग है, 3.0 से रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ भी अपडेट फिलहाल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी भी है Realme UI के ऊपर ही है ये, मतलब जो इनका वो चल रहा था Realme UI 2.0, Realme UI कहीं पर भी Realme UI 3.0 मेंशनड नहीं है। एक बार हम यहाँ पर मतलब सर्च भी कर लेते हैं, ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ हिस्ट्री में आप देख सकते हो। इस पे मैं टैप कर देता हूँ Realme UI 3.0 पे, पोस्ट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ट्विटर पर भी दिखाऊंगा कि वहाँ पर ऑफिशियल अपडेट जो है कुछ आया है या नहीं आया। तो यहाँ पर Realme UI 3.0 का जो फोन मैनेजर का एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पर इन्होंने शेयर किया है, कोई पुष्कर 01 ये यूजर हैं, ये कुछ इस तरीके का फोन मैनेजर इन्होंने शेयर किया। भाई ये 3.0 का ही है या नहीं ये गारंटी नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 3.0 का फाइल मैनेजर एंड फोटोज, तो ये भी आप देख लो, और अभी एक बार देख लेते हैं क्या ये सच में है या नहीं है। तो यहाँ पर फाइल मैनेजर, यस फाइल मैनेजर डिफरेंट है जो नॉर्मल वाले से, और फोटोज ऐप तो मेरे को ऑलमोस्ट सेम से लग रहा, नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर आइकन्स जो है वो चेंजेस हैं। और उसके बाद देखो वी नीड Realme UI 3.0, अब यहाँ पर ये सब वही बता रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल जो है ऑफिशियल यहाँ पर अभी किसी ने भी कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पर ऑफिशियल नहीं आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12। तो यहाँ पर देखो ये भी टेक डॉट की है, यहाँ पर नीचे हाइड किया हुआ इन्होंने, तो टेक डॉट की ही फोटो यहाँ पर ये शेयर कर रहे हैं। तो सेम वही पोस्ट वही फोटो यहाँ पर शेयर हो रही है। और अब चलते हैं ट्विटर पे, ट्विटर पे देखते हैं भाई ट्विटर पे Realme के कोई ऑफिशियल ने अभी तक कुछ इसके बारे में बताया है या नहीं बताया, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं Realme UI 3.0,
तो यहाँ पर मैंने इसे सर्च कर दिया है। और उसके बाद देखो सबसे पहला है कलर, ये इनका ये ऑफिशियल नहीं है, ये कोई यूजर है, उन्होंने पोस्ट किया है। उसके बाद देखो यहाँ पर Realme इंडिया सपोर्ट ऑफिशियल है, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है और 6 घंटे पहले का है, टाइम भी आप देख लो। हाय सुजानियो, करंटली देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एंड्रॉइड 12 वर्जन विद Realme UI 3.0, काइंडली स्टे ट्यून्ड फॉर ओवर Realme ऑफिशियल कम्युनिटी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों ये ऑफिशियल रिप्लाई है Realme इंडिया सपोर्ट का, तो यहाँ पर आप प्रॉपर इस बात का ध्यान रखो कि भाई Realme की तरफ से अभी कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म और ऑफिशियल कोई भी अपडेट Realme UI 3.0 से रिलेटेड निकल कर नहीं आई है। और ऑफिशियल जैसे ही आएगा आपको मेरे चैनल पे सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा की तरह मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद TechDot को झूठा साबित करना या गलत साबित करना नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको एक रियलिटी बताना था कि भाई देखो अभी ऑफिशियल Realme की तरफ से कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं आई है, और जैसे ही अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिली जाएगी। तो जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता ही है, सबसे पहले अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। तो ये थी वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि भाई आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसके रिगार्डिंग प्रॉपर जो है कंफर्म न्यूज मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।